आठ साल में खिलौना निर्यात में 239% की बढ़ोतरी। मन की बात में पीएम मोदी ने पहले ही कर दी थी भविष्यवाणी। खिलौना उद्योग अन्य उद्योगों के लिए उदाहरण बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 साल पहले मन की बात में खिलौना निर्माण के प्रोत्साहन का जिक्र किया गया और उसके बाद से खिलौने के निर्माण से लेकर इसके निर्यात में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वर्ष 2022-28 के दौरान खिलौने के कारोबार में सालाना 12% से बढ़ोतरी का अनुमान है और यह उद्योग $3 अरब के स्तर को छू सकता है। लोकसभा चुनावों के लिए जमीनी स्तर तक जाएगी भाजपा, 70 दिनों में चलाएगी 11 आउटरीच कार्यक्रम। देश में अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं और भाजपा अपनी रणनीति के तहत अभी से चुनाव प्रचार में जुट गई है। वहीं अब भाजपा अपनी तैयारियों को अगले स्तर पर ले जाने के लिए 70 दिनों में 11 बड़े पैमाने पर आउटरीच कार्यक्रम चलाएगी जो 15 मार्च से पहले पूरे हो जाएंगे। सूत्रों ने बताया ये कार्यक्रम लोकसभा चुनावों से पहले पूरे कर लिए जाएंगे। कड़ाके की ठंड के बीच 12.25 घंटे की देरी से रवाना होगी दरभंगा हमसफर एक्सप्रेस, देखिए लेट ट्रेन की पूरी लिस्ट। कोहरे के कारण शुक्रवार को भी लंबी दूरी की कई ट्रेनें देरी से दिल्ली पहुंची, लेकिन पिछले दिनों की तुलना में स्थिति बेहतर रही। 5 घंटे से ज्यादा देरी से चलने वाली ट्रेनों की संख्या कम हो रही है। दिल्ली पहुंचने व यहां से रवाना होने वाली 31 ट्रेनें 1 घंटे से अधिक लेट हैं। इनमें से दरभंगा हमसफर क्लोन व खजुराहो कुरुक्षेत्र गीता जयंती एक्सप्रेस 10 घंटे से अधिक विलंब से चल रही है। तापमान में बढ़त के बाद भी हाड़ कंपा देने वाली ठंड जारी, सीवियर कोल्ड डे की संभावना, ऑरेंज अलर्ट जारी। कड़ाके की ठंड के बीच शुक्रवार को दिल्ली में सुबह के तापमान में वृद्धि देखने को मिली तो दृश्यता के स्तर में गिरावट दर्ज की गई है। दूसरी तरफ मौसम विभाग ने आज भी सीवियर कोल्ड डे रहने की संभावना जताई है, साथ ही ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है।